ये बताओ कि एक लड़के को अगर आना हो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ना, काफी पैसा सो लगता है। वॉट वी डिड कपिल पाजी इज दैट वी रिड्यूस द एंट्री लेवल बैरियर. लाइक जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी तो मेरे माँ बाप ने अपना घर बेच दिया था टू बाय अ गन फॉर मी. इट वॉज दैट एक्सपेंसिव. तो जब हमने अकेडमी की स्थापना करी 2011 में, तो हमने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को कि महंगा खेलो. तो एंट्री लेवल बैरियर हमने मात्र 5-6 हज़ार रुपये पर महीना ऐसे कर दिए. अरे अपने प्लेयरों की अपनी अपनी गन्स होती हैं और कहीं हाँ, जस्ट पे जस्ट लाइक उनको जस्ट लाइक ए क्रिकेट बैट या इंडिविजुअल. बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना ये सब कुछ. अभी का स्पोर्ट का ऑफ कोर्स गन इज एक्सपेंसिव, बट व्हेन यू गो आउट टू पर्टिकुलर, दैट्स व्हाई एकेडमीज लाइक दिस आर इम्पोर्टेंट. बिकॉज पहले क्या होता था कि पेरेंट्स जो है अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके गन खरीद लेते थे, फिर 1 साल ट्रेनिंग दी, 2 साल ट्रेनिंग दी कि भाई शूटिंग ही करनी है. 2 साल के बाद पता चलता है कि शूटिंग नहीं, ही इज नॉट टैलेंटेड और ही डजंट हैव द एप्टीट्यूड, बट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द किड, दे पुश हिम फॉर अनदर 2 years. बाय दैट टाइम इज 20 years ओल्ड, देन ही कांट गेट इन टू एनी अदर स्पॉट. सो आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है. सो विद द एकेडमी व्हेन दे कम इन विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 months एट अ कॉस्ट ऑफ 20-30-40,000 रुपीज, यू गेट टू नो वेदर यू हैव टैलेंट और नॉट. और यज्ञेश्वर जी आप बताइए कि जब आप रेसलिंग होते हैं कि आपके साथ अच्छे प्लेयरों का होना बहुत जरूरी है या अच्छे कोच का होना बड़ा जरूरी है या अच्छी एनवायरनमेंट का होना जरूरी है? सभी का जरूरी है, जो अच्छे जो हमारे टेक्निक पार्टनर होते हैं वो भी जरूरी है, वो जो अच्छे कोच की जरूरत पड़ती है. क्योंकि मैं आपको बताऊं पाजी कि हिंदुस्तानी कुश्ती में जब सुधार ना 2002-3 के बाद से स्टार्ट हुआ है, जब हमारे पास बाहर से कोच आया, जोर जिया से कोच आए थे. हमारे कोचेज भी अच्छे हैं पर वो जो छोटी छोटी बारीकियां नहीं है वो उनको पकड़ने में थोड़ी वो थी. और फिर एक बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी बड़े पहलवान हुए हैं वो उन्हें अपना पूरा टाइम नहीं दिया, वो अपने कई काम कहीं भी लग गए. आप चाहे जैसे मेरे को ही लगा लो, चलो मैंने तो अभी अकेडमी को टाइम भी दे रहे हैं, फिलहाल तो दे रहे हैं. आपके आपके खेल में खाने का कितना इम्पोर्टेंट है कि खाने बच्चे का जी खाने अफोर्ड अफोर्ड कर खाने का सकते बहुत हैं? ज्यादा खाना ही है जी. अच्छी डाइट बहुत जरूरी है जी. और पहलवान के तो जो भी खर्चा होता है डाइट पे ही ज्यादा लगता है, क्योंकि लंगोटी तो भी अब तो 50-60 रुपए तक लंगोटी आ जाती है जी. आपको लगता है कि पिछले 5-7 सालों में काफी स्पॉन्सर आ गए हैं या खाने की कमी नहीं है? आज से 20 साल पहले सुना करते थे कि बच्चों को खाना नहीं मिलता, खाने को. आज क्या सिचुएशन है? आज ये अब अगर कोई आज के टाइम में बोलता है कि भाई मेरे को डाइट नहीं मिली, मेरे को डॉक्टर नहीं मिला, या मेरे को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली पैसे खाने के लिए, तो एक बहाना है जी वो आज के टाइम में. क्योंकि आप आज डाइट भी अच्छी मिलती है जी, कोचिज भी अच्छे हैं. ABP News आपको रखे आगे.